बैक टू माई चैनल वंस अगेन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो के साथ आया हूँ और आज का वीडियो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही बेसिक से ये जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप कैसे एक्सेल में शॉर्ट लगाओगे, शॉर्ट करोगे, ठीक है। ये कालीन मारने वाला शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट लगा के आप अपना काम आसानी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो साइड में जो नोटिफिकेशन है पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर से कीजिएगा। और जिन लोगों ने वीडियो पहली बार देखे उन लोगों को भी मैं बोला हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जो कभी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। पहले मैंने एक शीट बना लिया, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। तो हम लोगों को तो पहले बनाया था, आई थिंक प्रीवियस वीडियो में था शायद, वही ये वाला है। तो अभी नॉर्मली हम लोग शॉर्ट कैसे यूज़ करते हैं आपको तो पता ही होगा। जैसे मान लीजिए डेट वेस्ट कर सकते हैं, एसेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, ये सब तो शॉर्ट तो देखा ही होगा पीसी में, कभी कभार फोल्डर के अंदर फोल्डर खोलते हुए वहाँ पर भी रहता है, ठीक है। तो अभी एक्सेल में कैसा होता है, आप किसी भी ये नंबर को देख लीजिए, ये मैंने शीट बना लिया है। तो ये नंबर के मुताबिक जो सेल्स वैल्यू है इसका सबसे ज़्यादा सेल वैल्यू कौन सा है, ये वाला मुझे चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक सेल में ये रेडी मोड पर लाता हूँ मैं, फिर उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट मिल जाएगा। शॉर्ट मिलने के बाद जो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो सेल वैल्यू है वो वाला चाहिए मुझे और स्मॉलेस्ट तक, ठीक है। इसको मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ देखिए वेबसाइट पर सेल किया है, तो शर्ट ब्लू है, 6/7 को सेल किया है ये 999 रुपये का, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अभी जैसे कि मान लीजिए किसी भी अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ ये रेडी सेल में, तो अगर मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ ये पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 कॉलम है, उसको मैं सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। वो सिलेक्ट करने के बाद अभी आप कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है, आपके हिसाब से। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे जो ये चैनल वाला पार्ट है A to Z चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये कॉलम है इसमें राइट क्लिक करके ये जो शॉर्ट है मैं जाऊँगा A to Z चाहिए। तो ये ए से लेकर अकॉर्डिंगली A to Z तक जितना भी यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्टेड है वाला आप लोग को दे देगा, ठीक है। जैसे कि तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बताया ये वाला मैं सिलेक्ट कर लिया, कि हिसाब से जैसे भी मर्जी हो वैसे ही आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये इस शॉर्ट का जो ऑप्शन अभी मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो शॉर्ट पे जाके जो ये कस्टम शॉर्ट है यहाँ पे मैं अगर चला जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो जो शॉर्ट का जो एक कॉलम है वो वाला और ये आ गया यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ठीक है। अभी मैं मान लीजिए ये वाला जो मेरा हेडर है ये हेडर भी पकड़ के रखा है यहाँ में, ठीक है, कि सेंसिटिव भी लेना चाहिए, कि सेंसिटिव भी लेगा अभी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक लगाता हूँ यहाँ से, ये प्रोडक्ट पे लगाता हूँ, ठीक है। A to Z हो जाएगा, मतलब वो तो मुझे से कस्टम लगा देता हूँ, यहाँ मैं कस्टम पे जाऊँगा, ठीक है। अभी जैसे क्या हो गया, डेट वाइज मुझे कस्टम लगाना है, कौन सा डेट पे, मतलब कौन सा डेट से कौन सा डेट तक अकॉर्डिंगली था वो वाला लगाना है, ठीक है। मतलब आप पकड़ लीजिए यहाँ में कुछ कुछ लिस्ट आउट है, कस्टम लिस्ट है, जैसे क्या हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जितना भी सेल्स हुआ था वो पे ही पकड़ सकते हो आप। अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, मतलब सैटरडे तक पकड़ना चाहते हो तभी भी ये है, ये वाला देखिए जनवरी फरवरी मार्च ये वाला सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ में सिलेक्ट करके मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डर जो है हम लोग का जनवरी फरवरी मार्च जैसे लगा था वो वाला ही लगा। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट पे हम प्रोडक्ट पे रखा था वो डेट में लगाना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली आ जाएगा। तो सेल्स वैल्यू जो अभी सेल्स वैल्यू यूज़ करेंगे तो ओके दबा देंगे। देखिए ये जो जनवरी फरवरी मार्च ये वाला जो था ना, हम लोग अकॉर्डिंगली डेट वाइज जो सेल हुआ है वही आ रहा है यहाँ पे। देखिए 1 जनवरी, फिर अप्रैल में ज़्यादातर सेल हुआ है, फिर मई में सेल हुआ है, फिर उसके बाद जुलाई में सेल हुआ है, तो ये अकॉर्डिंगली आ गया है, ठीक है। वैसे ही आप अपने हिसाब से कस्टम लगा के कर सकते हो। और एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है हम लोग का जो चैनल है इसमें शॉर्ट एक बार लगा के आप लोगों को कस्टम लगा के दिखाता हूँ मैं नया वाला, ठीक है। ये जो चैनल है चैनल में जाऊँगा, फिर उसके बाद A to Z करके रखा है ये एक्चुअली कस्टम लगाऊंगा मैं अभी। हम लोग के पास आप डिलीट भी कर सकते हो, ये डिलीट ऐसे हो जाएगा, ये डिलीट हो गया, ठीक है। मैं अभी ऐड करूँगा यहाँ पे, यहाँ पे पहला जो लगाऊँगा मैं एक वेबसाइट लगाऊँगा, ठीक है। उसके बाद कोमा दूंगा, फिर उसके बाद स्टोर लगाऊंगा, फिर उसके बाद आपका जो हो जाएगा एफिलिएट साइट,
ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा मैं, ये ऐड करने के बाद ये हो जाएगा, ओके दबा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग का जो सेल्स वैल्यू ये तो यही रहेगा, फिर ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट स्टोर एफिलिएट साइट ये ऐसे ही आ रहा है। आपको अगर कस्टम से लगाना है तो आराम से लगाइए, आप मतलब आपका रिपोर्ट बड़ा है तो डाटा आपके हिसाब से सही है तो वही चेक करना जो आप लोग को मतलब ज़रूरी है, तभी आप वो वाला चीज़ कर सकते हो। तो गाइस अभी हम लोग सीखेंगे मल्टी लेवल ऑफ शॉर्ट कैसे लगाते हैं, ठीक है, मतलब शॉर्ट कैसे लगाते हैं। तो ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, जो हम लोग का ये जो आ रहा है यहाँ पे, जैसे ब्लू शर्ट ये आ रहा है ब्लू शर्ट वगैरह, ठीक है, मल्टी लेवल ऑफ शॉर्ट यूजुअली कैसे लगाते हैं हम लोग के, तो सही आ रहा है तो फिर भी मैं आप लोग को एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा शॉर्ट पे, फिर कस्टम शॉर्ट पे, तो मैंने चलाया मल्टी लेवल शॉर्ट दिखाने के लिए आपको। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये सैंडल तो सही चूज़ किया मैंने, फिर उसके बाद ये जो सेल है वो भी सही चूज़ किया है, ये वाला जो है ए टू जेड कर दूँगा, या फिर ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ऐड लेवल करूँगा, ये नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। नीचे करने के बाद जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए ये सेल वैल्यू में ही चाहिए, फिर उसके बाद ए टू जेड करके चाहिए। फिर उसके बाद एक लगाऊंगा, और उसके बाद मैं लगाऊंगा डेट वाइज, डेट लगाऊंगा तो ये ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट मतलब पुराने डेट में जो था वो वाला आएगा नया डेट तक, तो ये वाला सही ऐसा ही लगेगा। फिर ऐड लेवल कर देंगे, फिर उसके बाद हम लोग का जो ये है ये सेल्स वैल्यू अपने हिसाब से आएगा, मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। अभी अभी हम लोग का मल्टी लेवल अब शॉर्ट हो गया है, फिर ओके कर दूंगा। ये देखिए मतलब हम लोग का जो ये टेबल बना के रखा है तो ये वाला शॉर्ट ऑलरेडी हो चुका था, तो अभी हम लोग का क्या चेंज हुआ, तो ये जो डेट था ये डेट हम लोग का चेंज हो गया, मतलब डेट के मुताबिक। अभी पहले क्या था, कलर भी सेम था तो हम लोग को पता नहीं था कौन सा डेट में क्या सेल किया, तो अभी हम लोग को ये पता चल गया है कि कौन सा डेट में क्या सेल किया था। तो जैसे कि अकॉर्डिंगली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये वाला मतलब न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट तक आ गया। देखिए 1/4 हम लोग का मंथ जो है ये अपना ऐसे करके आ गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ऑर्डर कलर में लगाएंगे, ठीक है। हम लोग का जो ये है ये तक बन गया, ये तो बन गया, मैं आप लोगों को दिखा दिया। अभी हम लोग कलर में शॉर्ट लगाए, पहले आपको क्या करना होगा, अभी हम लोग शॉर्ट करेंगे कलर से। पहले आपको क्या करना होगा, जो कोई भी आपका मतलब कोई फॉल्ट वगैरह निकाल रहा हो तो अभी उसमें कलर कर दीजिएगा, फिर बाद में मतलब आपका रिपोर्ट जब भी फॉल्ट कुछ फिगर आउट निकलता है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद इसका कलर हम लोग के येलो फॉन्ट कर देते हैं, और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लैक होगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अभी मैं ये फोन पे पेंटिंग यूज़ करूँगा, ये वाला मैं डबल क्लिक करके फिर ये वाला मैं कर दूँगा, फिर उसके बाद ये वाला मैं कर दूँगा, ये फिर उसके बाद 700 में कर दूँगा, ठीक है। तो अभी और एक कलर चूज़ कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटिंग हटा देते हैं। ये वाला एक बहुत बढ़िया चीज़ है फॉर्मेट पेंटिंग, जो आपका अगर दूसरा मतलब किसी में कलर करना हो एक सिमिलर जैसा कलर, नहीं मतलब मैं आप लोगों को सिखाया था पहले वीडियो में, अगर वीडियो नहीं दिखे होंगे तो जरूर से वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा, ठीक है, उसके ऊपर मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल कलर रखते हैं, एक ग्रीन रखते हैं, ठीक है, और ये ग्रीन डबल क्लिक करके तो हम लोग किसी किसी में रख देते हैं। चलिए ये वाला हम लोग का हो गया ये वाला पार्ट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये कहीं भी रख के तो शॉर्ट लगाएंगे, शॉर्ट पे जाएंगे, फिर उसके बाद कस्टम शॉर्ट पे जाएंगे। कस्टम शॉर्ट पे जाने के बाद ये वाला जैसे मल्टीपल शॉर्ट हम लोगों ने लगा के रखा था, एक यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हो गया हम लोग अभी ये वाला में है, तो इसको हम थोड़ा डाउन में लेके जाएंगे, अगर ले जाना चाहते हैं डाउन में तो लेके जा सकते हैं। अभी आप प्रेस कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो अभी मैं डाउन में प्रेस कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला जो है एड लेवल यहाँ में जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ में पहला जो डेन बाय इसको चूज़ करेंगे, हम लोग का जो सेल्स वैल्यू है इसमें चूज़ करेंगे। अभी सेल वैल्यूज नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा टू सेल कलर या फिर फॉन्ट। हम लोगों ने सेल एक सेल में कलर भी चूज़ किया था और फॉन्ट भी चूज़ किया था, ठीक है। तो इसको अभी क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हो गया ये सेल कलर, ठीक है, सेल कलर तो एक में ग्रीन था हम लोग का, ये वाला ग्रीन सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको ऑन टॉप ऑन बॉटम ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए टॉप में चाहिए, ठीक है, तो इसको ऐसे रख देते हैं। तो अभी इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का आ गया, ग्रीन वाला आ जाएंगे ऊपर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एड लेवल कर देते हैं और एक चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, ये जो सेल्स वैल्यू इसमें जाएंगे, फिर उसके बाद ये तो सेल्स वैल्यू
सॉरी ये सेल्स वैल्यू नहीं था, ये हम लोग का था। देन भाई अभी हम लोग ये सेल्स वैल्यू में आ गया, तो अभी क्या करेंगे, ये जो सेल्स वैल्यू वाला शॉर्ट ऑन है इसमें मतलब ये हम लोग का कॉलम है एक्चुअली, ये वाला शॉर्ट ऑन है और ये ऑर्डर है, ठीक है। तो ये मतलब आप देख लीजिएगा, मैं फटाफट बोल रहा हूँ कि ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट कलर में जाएंगे। फॉन्ट कलर कौन सा है हम लोग का, दिखिएगा यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा। फॉन्ट कलर हम लोग का येलो है, ठीक है। तो अभी हमको चाहिए टॉप में, ठीक है। तो ये वाला तो आ गया, फिर उसके बाद और एक चाहिए हम लोग को काला वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो एट ये है इसमें आपका जो कॉलम है इसमें हम लोग सेल्स वैल्यू चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो कलर किया गया है वो वाला कॉलम में ही है, तो सेल्स वैल्यू चूज़ करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, शॉर्ट को यहाँ में जाके ये जो सेल कलर है इसमें जाएंगे, तो यहाँ पे ब्लैक कलर आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को टॉप में चाहिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए ऊपर आ गया एक साथ, ठीक है। तो हम लोगों ने पहला जो चूज़ किया था वो वाला तो एकदम ऊपर से आ गया। अभी जो फॉन्ट कलर में था और ये जो हम लोग का बैकग्राउंड कलर में था वो वाला नेक्स्ट जो टॉप है वो वाला में आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप कलर फिल्टर लगा सकते हैं। क्या करेंगे, इसका हटा देंगे, ठीक है। इसको कलर जो है वो वाला हटा देंगे ये सब, ठीक है। तो अभी हम लोग एक नया सी सीखेंगे। तो अभी हम लोग का जो ये रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट में जाके बाद इसमें आइकन सेट करूँगा, जैसे कि मेरा आइकन ये वाला रखूँगा, ठीक है। ये वाला आइकन में रख दूंगा, यहाँ पे आ गया आइकन, ठीक है। आइकन को मुझे शॉर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ये जो शॉर्ट है इसमें जाएंगे, फिर कस्टम जो शॉर्ट है इसमें जाएंगे। ये देखिए यहाँ में आपको सेल्स वैल्यू वाला मतलब कॉलम मिल ही जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंडीशनल फॉर्मेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद जो आपका कलर चाहिए वही आप रखिए, ठीक है। टॉप में चाहिए तो बॉटम में, चाहिए तो बॉटम में चाहिए ले सकते हो आप, ठीक है। टॉप में चाहिए टॉप में ले सकते हो। तो मैं अभी ये टॉप में सिलेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद एड लेवल करूँगा। एड लेवल करने के बाद जो यहाँ पे सेल्स है वैल्यू उसको सिलेक्ट करूँगा, फिर कंडीशनल फॉर्मेट, फिर ये वाला जो है ये वाला होने के बाद इसका कलर चूज करूँगा ये वाला में, फिर उसके बाद एड लेवल में जाऊँगा। एड लेवल में जाने के बाद ये वाला जो सेल्स वैल्यू क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद ये ग्रीन ये, उसके बाद ये वाला जो है ओके कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए मेरा अरेंज हो गया, रेड ये वाला कलर और ग्रीन वाला कलर, ठीक है। तो ऐसे आप आइकन लगा के भी अपना जो डाटा है निकलवा सकते हो। बाद में से आपका डाटा जब भी कंप्लीट हो जाए ये चेक करके वरना रेक्टिफिकेशन करके, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा कंडीशन फॉर्मेट वगैरह, तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी मैंने ये वाला किया तो पहले वाला जो मेरा ओरिजिनल सीट था वो वाला कम्प्लीटली चेंज हो गया, ठीक है। क्यों चेंज हो गया, जो हम लोग का एक्सेल है वो अगर आप किसी भी डाटा को ले लेते हो और उसको मतलब डाटा को इनपुट लेके और सेव कर देते हो तो वही रह जाता है। हम लोग का जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो वाला मतलब बैक नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप मान लीजिए आपका जो शीट है वो शीट के मुताबिक जो भी काम हो रहा है वो तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक अगर यहाँ पे आप कॉलम मतलब लगा लोगे, ठीक है, कॉलम लगा लीजिए यहाँ पे, एसएन नंबर दे दीजिए, ठीक है। ये वन प्रेस कर दिया मैंने, फिर उसके बाद में फिर ये वाला ड्रैग एंड ड्रॉप करने से भी हो जाएगा, ठीक है। ये वन वन ही आ रहा है, वन वन आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ में जाओगे, यहाँ में जाने के बाद जो फिल सीरीज है इसमें कर दीजिएगा 1 2 3 4 2, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे शॉर्ट लगा सकते हो, ठीक है, जिससे क्या हो गया मतलब आप डॉट जो लगाया है वो शॉर्ट आपका तो चेंज हो गया, आपके जो पहले का जो मतलब डाटा था वो चाहिए होगा तो चेक करने के बाद वैसे जैसे कि ओरिजिनल डाटा आया था वैसे ही रखना है। तो आप ये वाला में ऐसे करके कस्टम भी लगा सकते हो, देख लो सेल नंबर लग गया, फिर उसके बाद सेल वैल्यू लग गया, फिर उसके बाद ये लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट, या फिर ऐसे ही लगा सकते हो। ये देखिए ऐसे लगा के शॉर्ट आपका जो अरेंजमेंट है डाटा का वो आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। बाद में जो डाटा है हम लोग का ओरिजिनल डाटा वो बैक आ जाएगा। आपको लाने के लिए कंट्रोल जेड ऐसे ऐसे दबाता रहना पड़ेगा, फिर होगा, ठीक है। तो कंट्रोल जेड जब दबाने के बाद आ जाएगा, लेकिन ये कंट्रोल जेड मतलब एक लिमिटेड पीरियड ऑफ रिपोर्ट के लिए मतलब रहता है। उसके जो पहले एकदम स्टार्टिंग से अगर आप किए हो, बीच में आप सेव भी कर दिए हो तो ओरिजिनल डाटा तो नहीं मिलेगा, वो तो मतलब वो चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको एक शॉर्ट लिस्ट बना लेना है, वो उसके हिसाब से आप शॉर्ट
आंसर करके रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही था। लोगों ने वीडियो देखा बहुत ही अच्छा लगा, इसी बात पे अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक करिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइएगा कुछ अगर मैंने गलत बता दिया हो, कुछ उल्टा सीधा सिखा दिया हो भी जरूर से बताइएगा। ठीक है, जो मैंने वीडियो में दिखाया बाकी तो वीडियो आता रहेगा, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीखने मिलता रहेगा। तो वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपका दोस्त भी सीखे आपके साथ में, ये बहुत काम आने वाला है, ऑफिस में भी काम आएगा या फिर इन फ्यूचर आपको बाहर भी जाते हो वहाँ में भी अगर रिपोर्ट बनाना हो तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया, जितने जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगला जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।